नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। प्रधानमंत्री 10 दिनों के विदेश दौरे पर हैं और आज फिलहाल म्यांमार में हैं। दौरे का आज दूसरा दिन है और ये तारीख अहम इसलिए है क्योंकि आज मोदी आसियान देशों के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। 40 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मोदी की मुलाकात भी है। जाहिर है अपने इस दौरे पर मोदी भारत की छवि को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। देश ही नहीं पराई धरती पर भी प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक हर किसी को मानो सम्मोहित कर देता है। भारत के बाहर वो अब तक जहां कहीं भी गए उसे अपना मुरीद बना लिया। अमेरिका इसकी जीती जागती मिसाल है और अब बारी है हिंदुस्तान के पड़ोसी म्यांमार का दिल जीतने की। पीएम मोदी इस वक्त भारत के पूरब के पड़ोसी म्यांमार के दौरे पर हैं। मौका है 12वें आसियान देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने का। मंच विशाल है और हर कोई ये बखूबी जानता है कि अहम मौकों और बड़े मंच से मोदी को कितना लगाव है। आसियान सम्मेलन में शिरकत करने के लिए दुनिया भर से नेताओं का हुजूम म्यांमार की नई राजधानी नेपाइटो में उमड़ा है। लेकिन नेताओं की इस भीड़ में पीएम नरेंद्र मोदी की एक अलग ही अहमियत और खासियत नजर आ रही है। भारत पीएम मोदी को सुनते आ रहा है। दुनिया के बड़े देशों ने भी कई बार गौर फरमाया और आज बारी है म्यांमार और आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों की, जिनके सामने मोदी आज मुखातिब होंगे। आपको हम प्रधानमंत्री के दिन भर का एजेंडा भी बताते चलते हैं, जिससे आप ये भी जानेंगे कि मोदी से मिलने वालों की एक लंबी कतार है। सबसे पहले सुबह मोदी की मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से मुलाकात होगी। सुबह 10:30 बजे पीएम थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा से मिलेंगे। उसके बाद दोपहर करीब 1:15 बजे पीएम मोदी आसियान के सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। दोपहर 1:45 बजे ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोलकिया मोदी से मिलेंगे। दोपहर 3 बजे सिंगापुर के पीएम ली सेन लूंग की मोदी से मिलने की बारी है। शाम 4 बजे दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पार्क यून हे और पीएम मोदी की मुलाकात मुकर्रर है। आज की आखिरी बातचीत म्यांमार के विपक्षी नेता आंग सान सू के बीच होगी, जिसके लिए वक्त तय हुआ है शाम के 5 बजे का। शाम 7 बजे से रात 8:30 बजे के बीच डिनर का कार्यक्रम है। आसियान सम्मेलन का आयोजन नेपिटो में किया जा रहा है, जो काफी भूतिया शहर माना जाता है। लगभग रातों रात जो है यहाँ के जो सैन्य शासक हैं, उन्होंने नेपिटो का निर्माण किया था कुछ ही सालों पहले। लेकिन नेपिटो के मुकाबले जब आप यांगोन की बात करते हैं, जिसे हम रंगून कहते हैं और जिसे बॉलीवुड में भी गीत के द्वारा मशहूर किया गया। म्यांमार में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर गजब का उत्साह है। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और बच्चों ने पारंपरिक पोशाकों में उनका अभिनंदन किया। शुरुआत से ही भारत का रिश्ता अपने इस पूर्वी पड़ोसी से शानदार रहा है और यहाँ की सरकार के साथ साथ यहाँ के लोग भी ये मानते हैं कि मोदी के शासन में हिंदुस्तान से रिश्ता और मजबूत होगा, बेहतर होगा। अपने दौरे के पहले ही दिन पीएम मोदी मेजबान म्यांमार के राष्ट्रपति यू थिन शेन से मिले और बातचीत के बाद यही कहा, बहुत अच्छी मुलाकात रही। पीएम मोदी ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति की ओर पहला कदम बढ़ा दिया है और इसमें कोई शक नहीं कि म्यांमार भी मोदी का मुरीद हो गया है। नेपाइटो से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। म्यांमार की राजधानी नेपिटो में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। वहां मौजूद हैं आज तक संवाददाता स्मिता शर्मा। स्मिता, बताएं कि वहां से क्या है ताजा अपडेट। जी, आज तक के सभी दर्शकों को भी मिंगला बार म्यांमार से, यानी कि हलो। और यहाँ नेपिटो में आज जिस तरीके से 25वें आसियान शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई है, इसी के लिए यहाँ पर विश्व भर से तमाम नेता मौजूद हैं, जिसमें कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, रूस के दिमित्री मेदवेदेव, चीन के ली कश्यांग और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। आसियान समूह जो है, याद हो कि 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं और ये दुनिया के 7 सबसे बड़े जो है पॉपुलेशन परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है, 3rd biggest economies को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ
हाँ, आज जो आसियान इंडिया समिट है दोपहर में, उसमें नरेंद्र मोदी अपनी बातों को सामने रखेंगे। माना जा रहा है कि खास करके कनेक्टिविटी, संचार और जो खास करके जो मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं, समुद्री सीमाओं को लेकर यहाँ पर तमाम पड़ोसियों के बीच में जो तनाव चल रहा है, उन मुद्दों पर जो है जोर दिया जा सकता है। चीन के आक्रामक रवैये का जिक्र किया जा सकता है। हालांकि उनकी जो दिन की शुरुआत है मोदी की, वो आज लगातार द्विपक्षीय बातचीत से हो रही है। बिल्कुल स्मिता, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी का वहां दिन भर का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी जो है मलेशिया और सिंगापुर के हेड्स ऑफ स्टेट से आज मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद दोपहर में जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसके अलावा सुल्तान ऑफ ब्रुनेई, इन तमाम लोगों के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। क्योंकि वो बार बार जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं, उसके लिए बेहद अहम हो जाते हैं ये तमाम मुल्क। और अगर इस क्षेत्र को खास करके जिस एशियन सेंचुरी की वो बात कर रहे हैं, इस क्षेत्र को अगर ग्लोबल मैप पर पूरी पुख्ता तरीके से पहुंचाना है, तो उसमें भी ज़रूरी होगा कि ये सारे मुल्क जो हैं एक साथ मिलकर कनेक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत कर सके, हाईवेज बना सके, रोड लिंक्स बना सके। लेकिन नरेंद्र मोदी की जो यहाँ म्यांमार की विपक्षी नेता हैं ओंग सान सू ची, उनके साथ जो मुलाकात होने जा रही है उस पर खास नजर होगी। कल ही उनकी म्यांमार के राष्ट्रपति थेन सेन के साथ 45 मिनट तक बातचीत हुई थी, और नई दिल्ली म्यांमार के मिलिट्री हुंटा के साथ उस वक्त भी संबंध बनाए हुए था जब पश्चिमी मुल्क उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे थे। लेकिन नई दिल्ली का साफ मानना है कि म्यांमार खास करके पूर्वोत्तर क्षेत्रों में सुरक्षा के लिए, क्योंकि सीमा से सटे हुए कई इलाके हैं, लंबा सीमा है, म्यांमार की भूमि बहुत अहम हो जाती है। तो ओंग सान सू ची आखिर किस तरीके से नरेंद्र मोदी पर वो जोर डाल सकती हैं कि वो खास करके यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए जो है बातों को आगे रखे, इस पर हमारी नजर होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया स्मिता आपका। बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट है 3,200 किलोमीटर का हाईवे बनने की बात कही जा रही है, जो कि इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को जोड़ेगा। इस पर भी चर्चा हो सकती है। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह दौरा अहम है क्योंकि मंच बड़ा है, और इस मंच से मोदी दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। आज भी तमाम नेताओं से मुलाकात के दौरान मोदी कई तरह के मुद्दों पर बात करेंगे, और इनमें सबसे खास है भारत की साख को दुनिया के दिल में मजबूत करना। म्यांमार की धरती पर कदम रखते ही पीएम मोदी के मिशन म्यांमार की शुरुआत हो गई। म्यांमार के स्वास्थ्य मंत्री थांग आंग ने उनकी अगवानी की, और पहले दिन ही मेजबान राष्ट्रपति थेन शेन से बहुत अच्छी मुलाकात रही। आज बारी है दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत की, और सबसे खास है आसियान सम्मेलन में संबोधन की। हर कोई मोदी के भाषण की ओर कान लगाकर बैठा है। मोदी भी खास मकसद के साथ म्यांमार पहुंचे हैं। मन में दौरे का एजेंडा सेट है, और मोदी भी जानते हैं कि जब मंच बड़ा हो तो अपनी बातों को दूर तक पहुंचाया जा सकता है, वो भी उस स्थिति में जब सामने अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के मुखिया विराजमान हों। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी आज 12वें सालाना आसियान भारत शिखर सम्मेलन में क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने की जोरदार पैरवी करेंगे। पीएम ने भी कहा है कि आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति के केंद्र में है, और आसियान देशों के साथ रिश्तों को मजबूत करना देश की एक्ट ईस्ट नीति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एशिया के अहम मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात में मोदी आपसी संबंधों को मजबूत करने पर जोर देंगे। पीएम मोदी ने पीटा में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर क्षेत्र के 40 देशों के नेताओं से मिल रहे हैं। इन सभी देशों के साथ मोदी हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और एशिया के अलग अलग ताजा मुद्दों पर बात करेंगे। आसियान सम्मेलन में मोदी का जोर इलाके में स्थिरता और शांति के लिए प्रांतीय संस्थाओं और संबंधों को मजबूत करने पर रहेगा। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन समूह में 10 आसियान देशों के साथ ही भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और अमेरिका भी शामिल हैं। मोदी भी ये जानते हैं कि आसियान सम्मेलन का इस्तेमाल भारत की नई मजबूत छवि और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले देश के रूप में स्थापित करने का ये सुनहरा मौका है। नेपीटा से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मोदी के म्यांमार दौरे को लेकर वहां के लोगों में भी उत्सुकता है, खास करके उन लोगों के बीच जो कि भारतीय मूल के हैं। उन्हें भी लगता है कि मोदी के पीएम बनने से दोनों देशों के बीच रिश्ता जो है और मजबूत होगा।
अपने म्यांमार दौरे के पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबान देश के राष्ट्रपति थेन शेन से आमने सामने की बातचीत की। 45 मिनट की इस मुलाकात में वो सब कुछ दिखा जिसकी दरकार दो सहज और अच्छे पड़ोसी देशों के बीच होती है। मोदी ने भी ट्वीट किया कि राष्ट्रपति थेन शेन के साथ उनकी बहुत अच्छी मुलाकात रही। द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन बातचीत में जोर संस्कृति, वाणिज्य और संपर्क बढ़ाने के क्षेत्रों में रिश्तों को मजबूत करने पर ही रहा। म्यांमार भी मोदी के दौरे से बेहद उत्साहित है, खासकर वहां के वो लोग जो भारतीय मूल के हैं। भले ही ये लोग भारत से दूर बसे हैं, लेकिन भारत में सत्ता पर आसीन नए सेनापति के बारे में जानकारी इन्हें भी है। उन्हें और ज्यादा जानने की ललक इनमें भी है। भारत के साथ म्यांमार की सीमा रेखा 1600 किलोमीटर से भी लंबी है और मेजबान भी भारत से अच्छे रिश्ते बरकरार रखने की कोशिश करेगा और इस कोशिश में नए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर इन्हें पूरा भरोसा है। नियपीटा से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ग्लोबल छवि को लगातार निखारते जा रहे हैं। मीडिया में आई खबरों में यहां तक कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से ज्यादा पॉपुलर साबित हो रहे हैं मोदी। G20 समिट में मोदी से आमने सामने बातचीत के लिए कई राष्ट्राध्यक्षों ने प्रस्ताव भेजा है। टकटकी लगाए देख रही थी दुनिया कि कैसे भारतीय प्रधानमंत्री का दीवाना हुआ जा रहा था अमेरिका। देख रहा था जमाना कि कैसे अंकल सैम के देश में गूंज रहे थे मोदी मोदी के नारे। जिस अमेरिका ने सालों तक मोदी को वीजा नहीं दिया था, वही अमेरिका मोदी के स्वागत में पीछा जा रहा था। मोदी अमेरिका गए थे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के विचारों को रखने, और न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में जब बात शुरू की तो दुनिया को कई नए मंत्र सिखा गए, नई नसीहतें दे गए। भारत का चिरंतन विवेक समस्त विश्व को, जैसा मैंने कहा, वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के रूप में देखता है। संयुक्त राष्ट्र में संबोधन के बाद दिल्ली से टोक्यो से लेकर वाशिंगटन तक मोदी की धमक सुनाई देने लगी। दुनिया को मोदी में एक ग्लोबल नेता दिखाई देने लगा। जनता भी दीवानी हो गई। भारतीयों की तो छोड़िए, गोरों पर भी मोदी का जादू छाने लगा। देखते ही देखते मोदी राजनीति के रॉक स्टार बन गए। फिर मोदी का जलवा दिखा न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर में, जहां दुनिया की मशहूर हस्तियों ने परफॉर्मेंस दिया। वहां मोदी भारतीय मूल के लोगों को तमाम तरह के पाठ पढ़ा रहे थे, भारत आकर निवेश का न्योता दे रहे थे, कम मेक इन इंडिया के नारे दे रहे थे। भारत की आर्थिक स्थिति को बदलने में, भारत के सामाजिक जीवन में सामर्थ्य देने में, भारत के व्यक्तिगत जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आपने जिस सरकार को चुना है वो कोई कमी नहीं रखेगी। मोदी का दम दिखा और शायद ओबामा ने भी ये समझा। एक बार नहीं, दो दो बार मुलाकात की। पहली बार मोदी के सम्मान में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्राइवेट डिनर दिया। ये बात अलग है कि नवरात्रों के उपवास की वजह से मोदी ने ओबामा का नमक नहीं खाया। अगली सुबह फिर मुलाकात की, कई मुद्दों पर बात भी की। ओबामा मोदी के साथ घूमने भी गए, साथ साथ मार्टिन लूथर किंग को श्रद्धांजलि भी दी। आज तक ब्यूरो।